आदरणीय नेताजी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के जाने माने कवि, जिनके परिचय का कोई, जिनके बारे में सारा देश जानता और देश के बाहर के लोग भी जानते हैं, ये तो शब्दों के जादूगर और भाषा और इस तरह के लोग ही और कवि लोग, इनके जरिए भाषा का विस्तार भी होता है, विकास भी होता है। अभी हमें एक काम सौंपा गया, एक कमेटी बनाई थी, एक बार राज्यसभा में हम लोगों ने बोलते हुए कहा था कि इतने कठिन हिंदी के शब्द हैं कि वो अंग्रेजी के शब्दों से भी ज्यादा कठिन लगते, तो डिप्टी चेयरमैन साहब ने एक कमेटी बना दी। डिप्टी चेयरमैन उसके अध्यक्ष हैं, मैं और 3-4 लोग और मेंबर हैं, और वो अभी 2 दिन पहले हमारे पास आ गई कि अब इसको आप फाइनल कर दीजिए। तो वो आप जैसे लोगों से ही मुझे मदद लेनी पड़ेगी कि सही सरल शब्द कहाँ से ढूंढ के लाएं उनके लिए, जो प्रचलित हों, जो आम लोग समझ सकें। तो मैं इस संदर्भ में ये बीच में बात इसलिए ले आया क्योंकि ये कवि लोग हैं, आप हैं, गुरुजी हैं और लोग हैं, ये नए नए और बहुत आम लोगों को की समझ में आने वाले शब्दों को, महत्वपूर्ण शब्दों को, जो कठिन शब्द हैं उनको सरल शब्दावली में लोगों के सामने रख देते हैं। आपने आकर न केवल हमारी इस कार्यक्रम की आयोजन समिति को, बल्कि हमारे सारे जो हमदर्द हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उन सब का सम्मान बढ़ाया। मैं आपका आभारी हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मनोज झा जी का, मेरे छोटे भाई की तरह आपने संसद में ने बोलता सुना होगा, बहुत जबरदस्त बोलते हैं और धज्जियां उड़ा देते हैं सत्ताधारी दल के लोगों की। आदरणीय अहमद हसन साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं इनका भी आभारी हूं। आदरणीय हेमंत शर्मा जी जो हमारे इस कार्यक्रम के एक तरीके से जनक हैं और मेरे परम मित्र हैं, मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम क्योंकि हमारे ही संबंध में है तो मैं और क्या बोलूंगा, मैं तो धन्यवाद ही दे सकता हूं। हमारे पद्म भूषण आचार्य देवीचंद द्विवेदी जी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख आचार्य भी हैं और इस पुस्तक के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं गुरी जी को प्रणाम करता हूं कि हमेशा समय निकाल कर वो जब भी बुलाते हैं हम लोगों कार्यक्रमों को उपस्थित रहते हैं। आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी नेता विरोधी दल हैं, इनका स्नेह हमेशा रहा। और प्रमोद तिवारी जी के बारे में क्या, मैं कुछ बात के बारे में नहीं बताऊंगा, आप बहुत अच्छे आदमी। प्रभात जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने तो कल परसों उन्होंने एक किताब दी थी, दिखाई थी मुझे, इतना खूबसूरत आपने इसका गेटअप है कि आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और 350 पेज की किताब होने के बावजूद इसका वजन बहुत कम है, जाने कौन सा आपने विदेशी कागज लगा दिया। आदरणीय नेताजी की वजह से ही यहां हूं मैं, जो कुछ हूं, और उनसे मैं ये अपेक्षा करूंगा कि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे ऊपर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अतुल अंजान जी को जो यहां बैठे हुए, उन्होंने इस पुस्तक में लिखा भी है मेरे बारे में, मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं।
कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, बड़े नेता हैं और बहुत संघर्षशील हैं। संघर्ष से पीछे मुड़ के तो देखते ही नहीं, जब बोलेंगे तो संघर्ष की बात करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई सृजन हो नहीं सकता। मैं संजय सिंह जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, इतना व्यस्त समय होने के बावजूद, पंजाब से लेकर कई राज्यों के प्रभारी होने के बावजूद आप पार्टी के हमारे राज्यसभा में सहयोगी हैं और यहाँ आपने आने का कष्ट किया और इस पुस्तक में मेरे बारे में आपने भी लिखा है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ सभी सांसद बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। पूर्व सांसद हैं, सुमन जी हैं, अनु टंडन जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को और हमारे जो और सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, दूर दूर से आए हैं, मैं सबका हृदय से सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का सहयोग ही किसी नेता को, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने, आगे चलने, स्वस्थ रखने का काम करता है। तो जो आपका जब तक आशीर्वाद है सबका, जब तक सहयोग है, तब तक मैं ऐसा ही बना रहूंगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, मैं जो पूंजी रहेगा कि नहीं रहेगा, इतने लोग सब बैठे हुए हैं, अगर ईमानदारी से आपसी मतभेद भुला के जो काम करें, तो फिर जो मनोज ने कहा था कि मेरा मन पूर्व नहीं भावी मुख्यमंत्री कहने करता है, तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बना देंगे आज, तो खींचतान खत्म कर देना। एक बार फिर सभी सम्माननीय नेताओं को, अतिथियों को, खास तौर से कुमार विश्वास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप जब मंच पे आते हैं तो लोगों के चेहरे पर रौनक आ जाती है। और आप सबको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।